लीलावती नेचर क्योर सेंटर में यहाँ से जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेके गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? नेहाबेन ध्यानी। नेहाबेन, आप यहाँ पे कौन सी ट्रीटमेंट लेके गए थे और कहाँ से हैं आप? हम जामनगर से हैं और यहाँ नेचर थेरेपी में आए हैं जी। और हमने क्या ट्रीटमेंट, 3 साल पहले भी एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली थी, होम्योपैथी की ली थी, लेकिन यहाँ आके हमके पूरी तरह से ट्रीटमेंट का बहुत फायदा हुआ है जी। मतलब कितने समय तक ली आपने? 10 दिन। 10 दिन। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरी प्रॉब्लम थी फुल एसिडिटी थी मेरे को जी। तो एसिडिटी में पूरा तरह से सफलता मिली है इसमें जी। मतलब अभी आप काफी हेल्दी हो चुके हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही लीलावती की सेंटर में आप आते रहिए और अपनी सेहत सही रखिए। मिलते हैं हम दूसरे पेशेंट से। नमस्कार जी। नमस्कार, लीलावती नेचर क्योर योगा सेंटर में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो यहाँ से पेशेंट ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, हम जानते हैं उनका फीडबैक। तो सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश माहेश्वरी दुदानी जी। ओम प्रकाश जी, आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? मैं मेटल, नॉन फेरस मेटल का इम्पोर्टर हूँ जी। और ऐसे प्रॉपर में राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है राजियावास, आंकरोली के पास में, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। और पिछले 35 साल से 35 ईयर से मैं जामनगर में हूँ जी। और ये जो सेंटर है वहाँ, यहाँ पे आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है और आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को थोड़ा पीठ में दर्द रहता था जी, और थकान सा लगता था। तो जब इसका इनोग्रेशन हुआ था, और आर कैसा साहब है वो हमारे उद्योग नगर में ही सही है, और उनसे मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है जब से मैं जामनगर में आया हूँ तभी से। तो जब इनोग्रेशन हुआ तभी मेरे को इन्विटेशन था, और तब भी मैं आया था, और उसके बाद भी मैंने 2-3 बार यहाँ की विजिट ली थी जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ 2019 में 10 दिन रहा था जी, मैं और मेरी वाइफ दोनों जी। और सूट रूम हमारे को कार के हिसाब से हमने करवाया था जी। और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा जी, मैं लगभग 10 दिन रहा यहाँ पे जी। बट आपने ट्रीटमेंट क्या करवाई थी आपको? क्या वैसे बेसिक प्रॉब्लम आपको क्या थी? मेरे को नींद नहीं आती थी जी, और दूसरा हाथ पैर में दर्द रहता था जी, थोड़ा वेट भी ज़्यादा था जी। हाँ, तो यहाँ का जो मतलब मेरे को ट्रीटमेंट, एक तो वो मिट्टी का जो है वो बांधते थे, फिर वाइब्रो मसाज था, वाइब्रो पाउडर मसाज जी, मेरे को वो अच्छा लगा जी। दूसरा ये अपना सिरोधारा था जी, तो 3-4 ट्रीटमेंट जो थे वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे जी, और स्पेशली वाइब्रो मसाज और सिरोधारा जी। बट मैं एक क्वेश्चन आपको और पूछना चाहूंगी कि आपका वेट कितना कम हुआ है? मेरा लगभग उस टाइम में 7 दिन में 3 किलो जैसा वजन कम हुआ था। सात दिन के अंदर है। तो मैं, मुझे लगता है आपको वापस आना चाहिए और आप, हाँ, आपको काफी स्लिम एंड ट्रिम बना देंगे जी, ये सेंटर जी, सही है जी, ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आपने आपका, आप यहाँ पे जिस तरह से आए हैं तो किसी का क्या रेफरेंस थे आए थे? वैसे आपको, आपने बताया कि जिस तरह से ओपनिंग में आप आए थे, वापस आए, ऐसे आए, तो जो ट्रीटमेंट के बारे में अगर किसी ने आपको बताया था कि ऐसे ही आप ट्रीटमेंट करवाए आपने? मेरे को SMS आते थे, और उसके बाद कुछ उस टाइम स्कीम थी 50% की जी, तो मैं दिखाने के लिए आया यहाँ पे पहले जी, मैंने सोचा कि जाके दिखा देता हूँ, तो सर साहब यही थे जी, जी। तो उन्होंने उसी टाइम बोल दिया कि अभी ओम प्रकाश को जाने नहीं देना है जी, इसको अभी का भी एडमिट कर दो जी, और इनको रखो बस। बट अभी मतलब अभी आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल। हमारे दर्शक जो है, मतलब हमारे जो ये पेशेंट जो शारीरिक बीमारियों से परेशान है, तो उनको आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि नेचुरोपैथी जो है वो इमिडिएटली कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लंबे समय में उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा और मिलता है जी, बशर्ते कि आपको उसको फॉलो करना है जी। मैं यहाँ रहा था तब मैंने अच्छी तरह से फॉलो किया था, लेकिन फिर वहाँ घर जाने के बाद वही हो गया क्योंकि रोजमर्रा के काम में इतना बिजी रहते हैं तो समय नहीं मिल पाता है जी, जी। पर मेरा ऐसा मानना है कि साल में अगर 2-4-5 दिन के लिए भी कम से कम यहाँ आए, जैसे हिल स्टेशन जाते हैं ना, उसकी जगह यहाँ आए तो ज्यादा अच्छा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपकी सेहत सही रहे ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, लीलावती नेचर क्योर योगा सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है, यहाँ जामनगर से ही जो पेशेंट आए थे और यहाँ से ट्रीटमेंट लेके गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मनसुख भाई प्रजापति जी। मनसुख भाई, आप कहाँ से है? जामनगर से जी। मैंने सही बोला कि हम जामनगर से ही है, बट आप क्या करते हैं? अभी आप, मतलब अभी आपकी मुझे एज लेके ऐसा लग रहा है कि शायद आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो आप अभी काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं? नहीं, अभी रिटायर्ड लाइफ है जी।
बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ये सेंटर में आके आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया, आपको बीमारी क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या थी आपको? पेट का प्रॉब्लम था जी, तो एनीमा और मालिश जी, उससे अच्छा। कितने समय तक आपने ट्रीटमेंट लिया था? 8 दिन। 8 दिन तक। और 8 दिन में आपको कितना फर्क नजर आ रहा है? अभी रेगुलर हो गया है। अभी रेगुलर, मतलब वापस आने की जरूरत नहीं है कि वापस आना है? फिर भी आते हैं, एवरी वीक मसाज करवाते हैं जी। जी, तो हमारे जी जो अभी जिस तरह से माहौल है कि कोरोना आया है और काफ़ी सारे लोग बीमारियों से, आफ्टर 50 एज के बाद काफ़ी सारी बीमारियां लोगों को होती है और सब लोग एलोपैथी में तुरंत जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही गोली से सब ठीक हो जाता है, या तो गोली से तुरंत आपको इफेक्ट ऐसे लग रही है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसमें और यहाँ पे आपको क्या फर्क है? गोली खानी चाहिए कि नेचुरल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? नेचुरल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। गोली में तो साइड इफेक्ट भी होता है और टेम्पररी उसको रिलीफ होता है, लेकिन आता ही है जी, सही नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करवाते हैं उनसे लंबे समय तक मतलब फायदा रहता है, एक बार सही हो जाए तो वापस जल्दी नहीं आता है और सही तरह से फायदा रहता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे आपने हमें फीडबैक दिया, आप तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। नमस्कार, लीलावती नेचर क्योर योगा सेंटर में आपका स्वागत है। हम लेते हैं फीडबैक जो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके गए हैं पेशेंट उनका। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति शुक्ला है। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम, आपने यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करवाया है? वैसे तो बेसिकली मैंने हेड ट्रीटमेंट करवाया है, हेड मसाज लिया है और एक्यूप्रेशर मैंने करवाया है, फुट एक्यूप्रेशर जी। आपको कैसा फील हो रहा है? वेरी नाइस, ऑसम, एक्सीलेंट जी। और ऐसे सेंटर में लोगों को आना चाहिए कि जो नहीं आना चाहिए? मैम मेरा ये कहना है कि नाउ ए डे अभी ऐसा हो गया है कि हमें हेल्थ वाइज है ना अपने आप को बहुत ध्यान रखना चाहिए और उसके रिलेटेड हमको ट्रीटमेंट एवरी ईयर करवानी चाहिए। और अपने इन लॉज को है या अपने मदर फादर को हमें कोई गिफ्ट देनी हो ना तो हमें नेचुरल थेरेपी गिफ्ट देनी चाहिए ताकि वो लोग भी यहाँ पर आके ट्रीटमेंट ले सकें और हैप्पी रह सकें और हेल्थ वाइज भी वो फिट एंड फाइन रह सकें जी। आप किसी के रेफरेंस से आए थे? नहीं मैडम, मैंने एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा था कि यहाँ पे ये 2019 से स्टार्ट हुआ है और जामनगर से करीबन 12 किलोमीटर दूर है और पूरे एरिया में बहुत सारे हरियाली में इन्होंने डेवलप किया हुआ है ये सेंटर और यहाँ पे काफ़ी अच्छे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं और यहाँ पे आके इट्स फीलिंग गुड जी। मतलब अभी आपकी सेहत एकदम से सही लग रही है ऐसा मुझे लग रहा है। फाइन जी। तो ऐसे मतलब ट्रीटमेंट लोगों को लेना चाहिए ऐसा आप कहते हैं? हमारे घर मतलब जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं नेचुरोपैथी की, उनको आप क्या कहेंगे? बिफोर मैंने आपसे ये कहा जी कि नाउएडेज हमें अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और एवरी ईयर, एटलीस्ट एवरी ईयर, जैसे हम वीकेंड में यदि ईयरली हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि हम 2 दिन के लिए कहीं आउटिंग करें तो बेटर है कि हम यहाँ नेचुरल थेरेपी सेंटर में आके अपना टाइम स्पेंड करें और हेल्दी एटमोसफियर में हम ट्रीटमेंट लेके जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हेल्दी रहे ऐसी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। लीलावती नेचर क्योर योगा सेंटर में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पे जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेके जाते हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके कैसा लग रहा है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू भाई व्यास है जी। राजू भाई आप कहाँ से हैं? मैं जामनगर से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता था, अभी रिटायरमेंट हूँ। अच्छी बात है, चलिए रिटायरमेंट में तो ये सब करना चाहिए और अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए भी नेचर क्योर करना चाहिए। अच्छी सर, आपने यहाँ पे आए थे और क्या ट्रीटमेंट करवाई थी, आपको प्रॉब्लम क्या थी? मेरे को थोड़ा अनइजीनेस लगता था तो पर्टिकुलर में मेरे वाइफ के लिए था और मेरे को भी थोड़ा फील फ्री नहीं रहता था। तो इधर आने से मैं 10 दिन हमने ट्रीटमेंट लिया तो मेरी इम्यूनिटी पावर में बढ़ गई, मेरा जो थोड़ा बहुत नर्वसनेस सिस्टम था वो सही हो गया। और ट्रीटमेंट ऐसी क्या करवाई थी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ट्रीटमेंट की जाती है तो कौन सा ट्रीटमेंट आपने करवाई और उससे आपको फायदा क्या? मैंने आयुर्वेदिक करवाया है, फिर
थेरापी कर रही है, अलग अलग तरह की थेरापी कर रही है, तो तभी मेरे को अच्छा लगा, सूटेबल था बहुत। और कितने दिन तक रहे थे आप? 10 दिन तक रहे। 10 दिन तक रहे थे जी। और आपको पता कैसे चला था कि यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर है? हमने रेफरेंस हमारे पेन पे एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, तो एडवर्टाइजमेंट के बेस भी हम इधर आए थे। अब बहुत ही अच्छा। और आपकी सेहत अभी सही है, पहले से ज़्यादा बेहतर है? बेहतर है, बेहतर है जी। तो जो आना चाहते हैं, जो लोग अभी काफ़ी सारी बीमारियों से परेशान है, तो उनका क्या है? उसके लिए ये अभी इतना फेमस नहीं है ये नेचुरल थेरापी, लेकिन मेरे को लगता है इसका भविष्य बहुत अच्छा है। होम्योपैथी करके लोग थक जाते हैं, नेचुरल थेरेपी में लोग को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसकी अवेयरनेस अभी थोड़ी कम है, लेकिन फ्यूचर इसका है ना बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना है। डेवलपमेंट की बात तो हम नहीं करते हैं, बट ऐसी बात ज़रूर कर सकते हैं कि एलोपैथी और जो आयुर्वेदा है, और इसमें ये अभी जो नेचुरोपैथी जो आई है, नेचुरोपैथी से बहुत ही अच्छा फ़ायदा है लोगों को, ऐसा हम देख रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स के हमने इंटरव्यू लिए हैं, तो हमें एक ही बात नज़र आ रही है कि लोगों को अच्छे फायदे हो रहे हैं, और ट्रीटमेंट नेचुरल होती है मेरे ख्याल से। और जो आपको जो एलोपैथी दवा होती है, उसमें आपको दवाइयाँ काफ़ी सारी खानी पड़ती है, तो आपको बॉडी में साइड इफेक्ट ज़्यादा नज़र आती है मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा मानते हैं कि एलोपैथी से बेटर है? बिल्कुल 100% बेटर है, क्योंकि उसमें दवाइयाँ खानी पड़ती है, इसमें बिल्कुल दवाइयाँ नहीं होती, सिर्फ ट्रीटमेंट ही होती है। जो भी ट्रीटमेंट सर अभी सर सभी ट्रीटमेंट सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। लीलावती नेचर क्योर योगा सेंटर में आपका स्वागत है, और हमारे साथ आज जो यहाँ पे मेरे साथ है, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके गए हैं, और हम जानते हैं उनको यहाँ पे कैसा लगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू भाई सम्राट है जी। राजू भाई आप यहाँ पे आए थे तो किसके रेफरेंस से आए थे क्या? मैं रमणीक भाई मेरा दोस्त था ना जी, इसलिए मेरा बहुत नजदीक का संबंध है उसके साथ। जी जी, आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को डायबिटीज था, वजन बहुत था जी, वो सब थे जी। तो आपने यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट लिया है? मैंने एक महीना ठहरा हूँ, पर सब ट्रीटमेंट ले लिया जी। और कैसा लगा आपको? सब ट्रीटमेंट तो ले लिया है, लेकिन आपको सभी ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा लगा और आपको कैसा लग रहा है? इधर मसाज ने वो सब अच्छा लगा, वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वाला है वो सब भी अच्छा लगा जी। मतलब एक महीने तक आप यहाँ पे रहे, आप कहाँ से है? जामनगर से। जामनगर से ही है जी। और आप कुछ क्या हमारे जो यहाँ पे अभी आना चाहते हैं, जो भी पेशेंट आना चाहते हैं, जिनको कुछ बीमारी है, तो उनको क्या कहेंगे? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए ना, मेरी डायबिटीज की गोली भी बंद हो गई इधर आके आने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। इधर से निकलने के बाद इसका मेंटेन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान नहीं रखेगा तो नहीं चलेगा। तो आप डायबिटीज की कितनी गोलियां खाते थे? मैं पहले 2 खाता था, बाद में 1 खाता था, इधर आके बाद में बाहर गए, अभी डायबिटीज की गोली नहीं खाई है। वाह क्या बात है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि यहाँ पे आके डायबिटीज की टेबलेट नहीं खानी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने जो ट्रीटमेंट करवाई है वो उनको काफ़ी फायदेकारक हो गई है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी बीमारियाँ भी क्या बात है। तो इन फीडबैक हमने देखा कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनके चेहरे पे कितनी रौनक नजर आ रही है, और कितने अच्छे होके वो यहाँ पे कितनी सारी बीमारियां लेके आते हैं, और यहाँ से जाते हैं तब कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही सब आते रहिए आप यहाँ पे हमारे सेंटर पे, और धन्यवाद आपका, थैंक यू।